morning students. Today I will teach you computer chapter 2 generation of computers. हमारा आज का बहुत अच्छा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. हम जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट आए दिन नई नई चीजें लाते हैं. स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेते थे. उनको नया नया रूप देने के लिए, उनका छोटा रूप करने के लिए, उनको कम पावर में चलने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने नई नई टेक्नोलॉजी लाए, नए नए कंप्यूटर बनाए. आए दिन जो चेंज होते रहते हैं, अच्छी तरफ चलते रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं जनरेशंस. इसी तरह से कंप्यूटर में हमारे अलग अलग डेवलपमेंट हुए हैं हमारे, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे दिस चैप्टर में. किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है. इंट्रोडक्शन. द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशंस. हमारे जो कंप्यूटर डेवलप हुए हैं वो 5 जनरेशन कंप्यूटर डेवलप हो चुके हैं, जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ईच जनरेशन रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हर कंप्यूटर, हर जनरेशन का कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आता है. जैसे स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बने, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो एक वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होते थे. वैक्यूम ट्यूब का काम क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब एक मेमोरी के लिए होती है, लेकिन वो ज्यादा बिजली लेती थी, वो जल्दी फट भी जाती थी. ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिजल्टेड इन बेटर. सभी जनरेशन का हमेशा अच्छा रिजल्ट रहा है. चीपर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे बढ़ते गए वो वैसे ही सस्ते भी होते गए, छोटे भी रूप होते गए उनका. कंप्यूटर्स दैट आर मोर पावरफुल, और ज्यादा पावरफुल होते गए, फास्टर एंड इफिशियंट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर. पहले जनरेशन कंप्यूटर से नए जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल रहे, उनका काम तेजी से होता था, उन पर फास्ट कंप्यूटर बने वो. द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विद देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर डिस्कस्ड ब्लो. उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1 आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? कब ये डेवलप हुआ है, क्या इसमें हुआ है, इसके बारे में स्टडी करेंगे. द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1940 टू 1956. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम हमारा 1940 से लेकर के 1956 तक था. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कॉम्पोनेंट्स बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट अवेलेबल ऑन दोज डेज. क्योंकि उस समय में केवल वैक्यूम ट्यूब ही अवेलेबल थी, इसलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था. वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम वर यूज्ड फॉर मेमोरी. वैक्यूम ट्यूब का यूज किस लिए किया गया था? मेमोरी को बढ़ाने के लिए. द इनपुट टू द कंप्यूटर वॉज गिविन थ्रू पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप से होता था. द आउटपुट डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में प्रिंट आउट केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होते थे. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 650 एंड 701 यूनिवैक एडवैक एंड NEA. ये इनको अलग अलग नाम दिए गए थे. आप यूनिवैक की पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, एडवैक को देख सकते हैं और NEA को देख सकते हैं. आपने देखा होगा हम कोई भी चीज जब नई डेवलप करते हैं तो उसका हमें प्रॉफिट लॉस एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज ही होते हैं.
तो कंप्यूटर से हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज क्या थे और डिसएडवांटेज क्या थे। दीज आर फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटर्स एट देयर टाइम। उस समय के लिए काफी फास्ट कैलकुलेट करने वाले कंप्यूटर थे। वैक्यूम ट्यूब वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज। उस समय में जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप हुआ था उस समय में अवेलेबल थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर। दे परफॉर्म्ड ऑपरेशंस इन मिली सेकेंड। वॉट इज मिली सेकेंड? एक सेकंड का जो 1000वां हिस्सा होता है वो हमारा कहलाता है मिली सेकेंड। एक सेकंड का 1000वां हिस्सा हमारा कहलाता है मिली सेकेंड। तो दे परफॉर्म ऑपरेशन इन मिली सेकेंड। डिसएडवांटेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या थे हमारे? दीज कंप्यूटर्स वर लार्ज इन साइज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे हमारे साइज में बहुत बड़े होते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज इमिटेड, बहुत ज़्यादा वो गर्मी रहती थी उन पर। द कॉस्ट वॉज हाई, उनकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होती थी। दीज कंप्यूटर्स वर नॉन पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होते थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते थे। एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड, इनको फ्रेश एयर की ठंडक की बहुत जरूरत होती थी। मशीन लैंग्वेज वाज डिफिकल्ट टू लर्न, मशीन लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता था। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बने उसमें कुछ नया हुआ। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वॉज बॉर्न 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1956 से लेकर के 1963 तक डेवलप हुआ। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज कहाँ पर हुआ? ट्रांजिस्टर एज अ बेसिक कंपोनेंट। द फर्स्ट जनरेशन वॉज डेवलप्ड एट बेल लेबोरेटरीज इन 1947 बाय विलियम शॉकली द्वारा, जॉन बार्डेन द्वारा एंड वॉल्टर हाउसर ब्राडेन द्वारा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर द साइज ऑफ ट्रांजिस्टर वॉज स्मॉल कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का रूप दिया गया वो हमारा वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा साइज में छोटा होता था। ट्रांजिस्टर वर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर हमारा बना होता था सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर दैट वर मेड फ्रॉम सिलिकॉन वर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर सो दे कुड नॉट इजिली बर्न अप। वो हमारे सिलिकॉन वर लेस सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होता था। सो दे नॉट इजिली बर्न अप, वो इजिली जल नहीं सकता था। जैसे वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी फट जाती थी, ट्रांजिस्टर उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क फॉर सेकेंडरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक कोर फॉर प्राइमरी मेमोरी। द इनपुट टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज गिविन थ्रू पंच्ड कार्ड एंड द आउटपुट डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट। द इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर्स वर रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बना उसमें हमारा पंच कार्ड यूज हुआ है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए हम IBM, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 and 3600 and UNIVAC 1108। जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में देखी थी ऐसे ही आप IBM को इस चित्र द्वारा देख सकते हैं। IBM 620 का लुक ऐसा था और CDC 1604 का लुक ऐसा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तरह से हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या क्या है हमारे? परफॉर्म ऑपरेशन इन माइक्रो सेकंड। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आया था मिली सेकंड, यानी कि एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, और माइक्रो सेकंड क्या है? एक सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा जो होता है वो हमारा कहलाता है माइक्रो सेकंड। द
द साइज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्मॉल कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बने हमारे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटे थे. द कॉस्ट वॉज लेस, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सस्ते रहे. मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज लेस बिकॉज हार्डवेयर फेलियर वर रेयर. उनके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़े कम रेट में रहे क्योंकि हार्डवेयर फेलियर वॉज रेयरली. राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज वॉज इजियर देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज. राइटिंग इंस्ट्रक्शन जो थे उनके असेंबली लैंग्वेज के बहुत ईजी था वहाँ पर लिखना. मशीन लैंग्वेज लगी हुई थी उसमें तो वहाँ पर ईजी रहा हमारे लिखने के लिए. डिसएडवांटेज क्या है हमारे, एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहे लेकिन बस एक डिसएडवांटेज था उसका कि उसको एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड की थी उसकी, उसको जरूरत थी एयर कंडीशन की ठंडक. नेक्स्ट होता है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1964 टू 1971. इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1964 से 1971 तक तैयार हुआ जिसको इन्वेंट किया था बाय जैक किल्बे ने और रॉबर्ट नॉइस. द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फ्रॉम बाय कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ऑन द स्मॉल पीस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. जो क्या कहलाता था हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता था. इंटीग्रेटेड सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चिप और माइक्रोचिप. इंटीग्रेटेड सर्किट साथ में को हम क्या कह देते हैं, चिप और माइक्रोचिप भी कह देते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप. जो लार्ज नंबर ज्यादा नंबर में होते हैं ट्रांजिस्टर इज प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप में आ जाते हैं. इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इनपुट वॉज गिविंग थ्रो कीबोर्ड एंड आउटपुट वॉज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से हमको मॉनिटर पर डिस्प्ले मिल जाता था. एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर पीडीपी, पर्सनल डेटा प्रोसेसर, आईबीएम 360 सीरीज, यूनिवेक 1106 ऑब्लिक 1108, हनीवेल 6000 सीरीज. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हमारे डिसएडवांटेज क्या थे, द साइज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बने हमारे वो फर्स्ट और सेकेंड के कंपेरिजन में साइज में थोड़े स्मॉल बने. जनरेट्स लेस हीट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर. पहले कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग कम हीट ली उन्होंने. इट कुड परफॉर्म कैलकुलेशन इन नॉन नैनो सेकेंड. वो बहुत ही कम समय में अपनी जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते थे. मेंटेनेंस कॉस्ट वॉज लेस कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स. उनकी मेंटेनेंस पहले कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इजी हो जाती थी. कंज्यूम लेस पावर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग वो कम पावर लेते थे. मोर रिलायबल, बहुत टिकाऊ रहते थे. टोटली जनरल पर्पज, सभी तरह का जनरल वर्क उन पर इजीली हो जाता था. कॉस्ट उनकी बहुत कम थी, लो कॉस्ट. गुड स्टोरेज और स्टोरेज डिवाइस उनकी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा काम अपने अंदर कर लेते थे. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के भी एक ही डिसएडवांटेज रहा है कि एयर कंडीशन वॉज रिक्वायर्ड. यानी कि सेकेंड फर्स्ट थर्ड तीनों कंप्यूटर में अभी तक एयर कंडीशनर की ही रिक्वायरमेंट रही है. नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्क डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 चिप, जिसमें लगी हुई थी 4004 चिप. वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1971. द माइक्रो प्रोसेसर इज सिलिकॉन चिप कंटेन मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर दैट आर डिजाइंड यूजिंग
LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पिक्चर को देख सकते हैं, व्हाट इज रैम, एनीएक, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड LSI, what is LSI? Large Scale Integration and VLSI, Very Large Scale Integration Technology using LSI and VLSI technology, thousand of transistor are integrated on a small silicon chip. उनके अंदर एक छोटी सिलिकॉन चिप लगी हुई थी। In fourth generation computer, the semiconductor memory is replaced by magnetic core memory resulting in fast random access to memory. Several operating system like MS-DOS, MS-Windows were developed during this time. The instruction to the computer were written in high level language instead of machine language and assembly language. The example of fourth generation computer are CryFirst and CryXMP supercomputers, Apple, IBM or Macintosh. Fourth generation computer के आप example देख सकते हैं, CryFirst and Apple PC and IBM PC. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो एडवांटेज रहे हैं उनके स्टडी करेंगे। मोर रिलायबल देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स, पहले कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग ये मोर रिलायबल था। परफॉर्म कैलकुलेशन इन पिकोस सेकंड, कुछ ही सेकंड में जल्दी कर से काम कर लेते थे। कंज्यूम्स लेस पावर देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स, नो एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड, इनके लिए किसी एयर कंडीशन की जरूरत नहीं थी। टोटली जनरल पर्पस, सभी तरह का जनरल वर्क हो जाता था इजीली। कॉस्ट ऑफ लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स, पहले कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट भी कम रही थी। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर जनरेशन कंप्यूटर्स, और सभी तरह की हाई लेवल लैंग्वेज का यूज फॉर जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, और इनकी मेंटेनेंस में भी पहले कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कम रहता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बने वो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर थे। जनरेट्स लेस हीट देन द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंप्यूटर के अकॉर्डिंग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को लेस हीट, कम हीट देते थे। लर्निंग हाई लेवल लैंग्वेज इज इजियर देन असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज भी वो पढ़ लेते थे इजीली असेंबली और मशीन लैंग्वेज के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रही है। नेक्स्ट होता है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो हमारे साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पर करते हैं। द मेन एम ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट रेस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड रहे हैं। आप सभी को जितनी भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए।
चिप दैट कंटेन्स मिलियन ऑफ कॉम्पोनेंट इन अ सिंगल चिप, सिंगल चिप में ही मिलियन कॉम्पोनेंट आ जाते थे। दीज कंप्यूटर्स यूज पैरेलल प्रोसेसिंग वेयर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटिव इन पैरेलल मैनर। पैरेलल प्रोसेस इज मच फास्टर देन सीरियल प्रोसेसिंग। इन सीरियल प्रोसेसिंग ईच टास्क इज परफॉर्म्ड इन सीरियल मैनर, वेयर्स इन पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टीपल टास्क आर परफॉर्म्ड सिमुलेटरसली। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थे हमारे, वो पूर्ण रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड थे। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहलाते थे। इस चैप्टर के मेन पॉइंट को समझने के लिए आपको रिकैप को स्टडी करना है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुई थी हमारी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर मेनली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक खोज के लिए हम यूज करते थे। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज क्या यूज हुआ था उसमें, ट्रांजिस्टर एज द बेसिक कॉम्पोनेंट था उसका। द फर्स्ट जनरेशन वर डेवलप एट बेल लेबोरेटरीज इन 1947 बाय विलियम शॉकले, जॉन बार्डीन एंड वॉल्टर हाउजर ब्राटीन। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स का, मैग्नेटिक डिस्क का और सेकेंडरी मेमोरी का, मैग्नेटिक कोर का यूज। द इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय, इंटीग्रेटेड सर्किट का को जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था। स्टूडेंट, इसी के साथ चैप्टर टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारा एंड होता है। आई थिंक सभी को वीडियो देख करके चैप्टर समझ आ जाएगा। इसके बाद भी आप सभी को अपनी कंप्यूटर की बुक से चैप्टर टू की अच्छे से स्टडी करनी है। इसकी नेक्स्ट टर्न पर आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स भेजे जाएंगे। नोट्स द्वारा आप अपनी कॉपी वर्क या बुक वर्क कर सकते हैं और अपने को अच्छे से चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।